मैंगलोर की 32 साल के शख्स ने दावा किया है कि बॉलीवुड सुपरस्टार ऐश्वर्या राय उसकी माँ है। शख्स अपना नाम संगीत कुमार रॉय बताता है। उसका कहना है कि ऐश्वर्या ने IVF टेक्निक से उसे लंदन में जन्म दिया है और बहुत बाद में उसे ये पता चला कि ऐश्वर्या उसकी माँ है। अब वो उनके साथ मुंबई में उनके घर में रहना चाहता है। ये शख्स अपना जन्म 1988 बताता है, यानी जन्म का जो साल है वो 1988 है। उसका कहना है कि 2 साल तक ऐश्वर्या के माँ बाप ने उसकी देखभाल की। इसके बाद उसके जो बायोलॉजिकल पिता हैं वड़ी विल्लू रेड्डी, उसे अपने साथ विशाखापट्टनम ले गए। अब वो मैंगलोर में रहता है। संगीत कुमार की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। उसका कहना है कि उसके रिश्तेदारों ने उसके जन्म रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको जला दिया है, इसलिए वो साबित नहीं कर पा रहा कि ऐश्वर्या उसकी माँ है। हालांकि इस शख्स की बात पर यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि ऐश्वर्या की उम्र के लिहाज से 1988 में वो केवल 15 साल की रही होंगी। दूसरी बात, ये पहले भी कई लोग पब्लिसिटी के लिए किसी स्टार को अपने माता या पिता बना चुके हैं। ये भी हो सकता है कि आरोप लगाने वाले शख्स की मानसिक अवस्था ठीक ना हो, क्योंकि साल 2017 में दिए एक इंटरव्यू में भी संगीत कुमार ने यही बातें कही थी और 3 साल बाद अब फिर से वो यही बातें दोबारा मीडिया के सामने दोहरा रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि ऐश्वर्या उसे मिले और उसकी बातें सुने। संगीत कुमार ये भी चाहते हैं कि ऐश्वर्या उसे अपने साथ मुंबई में रखें और फिलहाल के लिए उसे कम से कम ऐश्वर्या का नंबर चाहिए ताकि वो उनके साथ कॉन्टैक्ट बना सके। कुछ वक्त पहले सिंगर अनुराधा पौडवाल को लेकर भी कुछ इसी तरह की खबर आई थी। केरल की एक महिला ने दावा किया था कि अनुराधा पौडवाल उनकी माँ है। तिरुवनंतपुरम में रहने वाली करमाला मोडेक्स ने अनुराधा के खिलाफ लोकल डिस्ट्रिक्ट फैमिली कोर्ट में केस कर दिया था। उन्होंने अनुराधा से 50 करोड़ रुपए का मुआवजा तो मांगा ही, साथ ही पौडवाल खानदान से जुड़ी कोई भी संपत्ति नहीं बेचने की मांग भी की। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत और आप देख रहे हैं दी लालनटॉप। अब अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए। अगर ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल दी लालनटॉप को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू।